अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं तालिब हैदर और मैं हूं नाजिया आशर। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। शुमाली वजीरिस्तान में तालिबान से बातचीत के बाद मुजाकराती कमेटी हेलीकॉप्टर में वापस नौशहरा पहुंच गई। मौलाना समीउल हक से मुलाकात शुरू, आज हुकूमती कमेटी से भी मुलाकात का इम्कान। रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्की सलामती और अस्करी उमूर पर गौर। खुसूसी अदालत में प्रोसिक्यूटर अकरम शेख का मुशर्रफ के वकील राणा एजाज पर हमले का इल्जाम, अदालत ने वकला में झड़प की सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली। गद्दारी केस में खालिद रांझा ने दलायल दिए कि आइन शिकनी का जुर्म अगर कोई फौजी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। एमक्यूएम के कारकुन फहद अजीज पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रहीम यार खान में दहशतगर्दों ने तीन गैस पाइपलाइनें धमाके से उड़ा दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को गैस की फराहमी मुअत्तल, सिर्फ एक लाइन से पंजाब को गैस की फराहमी, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। श्रीनौदन का कहना है कि मुतासरा गैस पाइपलाइनों की बहाली में 48 घंटे तक लग सकते हैं, सार्फीन तआवुन करें, चूल्हे हीटर और गीजर्स बंद रखें। और जापान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम, सड़कों पर बर्फ का ढेर लग गया।